हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स में अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि वीडियो और अच्छे कंटेंट साथ पढ़ सके। आज आपको बताऊंगा डीएसएसबी के अंदर जेल वार्डन की आपकी वैकेंसी आई हुई है। बहुत अच्छी तरीके से आपको पता है कि अच्छी पोस्ट है, अच्छी तरीके से आपको वैकेंसी फिल करनी है। आपको फॉर्म फिल करने ना 20 तारीख इस जो एग्जाम की आखिरी डेट है, अच्छी तरीके से बताऊंगा कैसे कैसे हम आपको पढ़ेंगे, किस प्रकार का सिलेबस होगा, कैसे आपको पढ़ना होगा। ठीक है भाई, अच्छी तरीके आइए समझते हैं। देखो भाई, डीएसएसबी जेल वार्डन स्ट्रेटेजी, जो जेल वार्डन का एग्जाम है उसके लिए स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको, किस प्रकार की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जेल वार्डन वैकेंसी जो आपकी है, कितनी वैकेंसी आपकी इस पोस्ट के अंदर है, इसकी आपके 271 वैकेंसी आपके दी गई है। कितनी वैकेंसी दी गई है? 271 जो है आपकी वैकेंसी दी गई है। कितनी वैकेंसी है? 271 हमारी वैकेंसी दी गई है जेल वार्डन के अंदर। जॉब जो लोकेशन आपकी, जो जॉब की जो लोकेशन होगी वो हमें आपकी जो है दिल्ली होगी। आप लाइफ टाइम दिल्ली ही जॉब करोगे, जितनी भी आपकी जेल होगी, जितनी भी आपकी जेल है दिल्ली के अंदर, सब आप वहाँ पे आपकी ड्यूटी लगेगी। अच्छी जॉब है, अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो, सीजीएल की तैयारी करना चाहते हो, सीपीयू की तैयारी करना चाहते हो, तो आपको अच्छा खासा टाइम मिलने वाला है इस जॉब के अंदर। अच्छी जॉब है, ठीक है। एक बार हम थोड़ी और बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी। 10+2 होना चाहिए जिसकी 12वीं पास है जो बच्चा, उस इस फॉर्म को भर सकता है। एज जो होनी चाहिए आपकी 18 से 27 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 18 से 27 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। 20 तारीख लास्ट डेट जो है इसकी, वो 20 है, 20 तारीख, ये 20 दिसंबर ही इसकी लास्ट डेट दी दी गई है, ठीक है। कितनी तारीख है इसकी लास्ट डेट? 20 दिसंबर, 20 दिसंबर जो है इसकी लास्ट डेट दे दी गई है, 20 दिसंबर लास्ट डेट है हमारी, ठीक है। तो आपको फिल्म साइट अच्छी तरह चल रही है, कोई आपने फॉर्म फिल भी कर लिया होगा, ये आपको थोड़ा बताएगा। इसके बाद हम करते हैं चर्चा, इसकी बात करेंगे सिलेबस की बात। किसकी बात करेंगे? हम थोड़ी सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सिलेबस कैसा होना चाहिए, सिलेबस किस प्रकार का सिलेबस है। देखो भाई, सिलेबस की बात कर लेते हैं हम एक बार। देखो, सबसे पहले हम जेल वार्डन का सिलेबस की बात करेंगे, पूछा जाएगा कि किस प्रकार का सिलेबस है। इसके अंदर जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं, 40 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं आपके? 40 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर आपके अंदर होंगे। देखो भाई, इसके अंदर जो है चैप्टर आपके कौन कौन से, जनरल अवेयरनेस में आपको हिस्ट्री पढ़नी है, एक मिनट आपको हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, स्पोर्ट हो गया, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे जो साइंस होती है आपको वो पढ़नी है। इसके बाद साइंटिफिक रिसर्च, जो हमारे पास डीआरडीओ वाले हो गए, इसरो वाले जो रिसर्च करते हैं उनके बारे में बताना है। नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज और अपडेट, दोनों का अपडेटिंग हमको बतानी है। ये आपका जो टॉपिक है, ये आपके जो टॉपिक दे दी गई है, ये आपके टॉपिक दे गए हैं जनरल अवेयरनेस के। किसके टॉपिक है? जनरल अवेयरनेस के आपके टॉपिक दे दी गई। इसके बाद ये जनरल अवेयरनेस आपको पढ़ना है, इतना ही 40 क्वेश्चन आपके आने हैं, ठीक है भाई। 200 क्वेश्चन का पेपर होगा, 40 क्वेश्चन आपके एक के आएंगे, एक नंबर का एक क्वेश्चन आपका होगा, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ी बात कर लेते हैं किसकी, रीजनिंग की बात कर लेते हैं। किसकी बात करनी है हमको? हम थोड़ी बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक आपको दिए गए हैं वो आपको बता देते हैं। रीजनिंग में एक तो आपको पढ़ना है एनालॉजी, क्या एनालॉजी की बात की गई, सिमिलरिटी और डिफरेंस, जो सिमिलरिटी होती है वो डिफरेंस आपको सिमिलरिटी दे देते हैं, उसके डिफरेंस होगा। इसके बाद स्पेस विजुलाइजेशन, जो होते हैं ना ये वाले क्वेश्चन होते हैं, A:C:D:L, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस पे। इसके बाद आती है प्रॉब्लम ऑफ एनालिसिस सॉल्विंग, जो एनालाइज होते हैं वो उसके ऊपर। जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग इसके अंदर आएगा। वर्चुअल मेमोरी आएगी, ऑब्जर्वेशन आएगा, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट आएगा, अर्थमेटिक रीजनिंग, वर्बल फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, ये हमारे पास टॉपिक दे दिए गए हैं। इतने अच्छे अच्छे टॉपिक है हमारे पास, ये हमारे पास टॉपिक दिए गए हैं आपके, अच्छे अच्छे टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप रीजनिंग ही देखो, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको आपको 40 में 40 नंबर, कम से कम आपके 40 में से 40 नंबर आपके आने के चांस होते हैं पूरे रीजनिंग के अंदर आप 40 में 40 नंबर लाने के पूरे पूरे चांस रखते हो। 40 में से 40 नहीं आते हैं तो कम से कम आप 35 नंबर तक आप ले आते हो हर हाल में, किसी भी कंडीशन में रीजनिंग के अंदर, ठीक है भैया। रीजनिंग के बाद इसके बाद हम मैथ की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम? इसके बाद मैथ की बात कर लेते हैं कि मैथ में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने। देखो मैथ के अंदर आपका आता है सिंप्लीकेशन, इसके बाद आता है डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है भाई, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, और भैया इसके बाद आता है टेबल और ग्राफ, जो डीआई होता है वो ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं वे भी। ये आपको टॉपिक पढ़ने हैं, इन टॉपिक से अलग आपका बाहर कुछ नहीं आएगा,
ये टॉपिक है आपके बच्चों, इससे अलग आपका बार कुछ नहीं आना चाहिए। अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे हम इनको डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको बता दिया कि आप अच्छे तरीके से कैसे कैसे हम कर सकते हैं भाई। ये आपके मैथ के टॉपिक थे, ठीक है भाई। 40 क्वेश्चन आपके मैथ के आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे आपके? 40 क्वेश्चन ही मैथ के आएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हिंदी। देखो भाई, इसमें हिंदी भी आनी है। जिसने दिल्ली सेम है, एसएससी का पैटर्न ही है। आपको प्रीवियस ईयर आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे इसके एसएससी के। आपको जो उसने एसएससी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे थे ना, सेम दिल्ली पुलिस का ही आने वाला है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ऐड हुआ है, बस इसमें हिंदी आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। जो एसएससी जीडी वाले है ना, जैसे जीडी वाले जो एसएससी जीडी का पैटर्न है, आपको बिल्कुल सेम पैटर्न इसको मिलेगा। एसएससी जीडी वाला ही पैटर्न इसका होगा, ठीक है भाई। हिंदी में आप क्या कर सकते हैं? देखो, हिंदी में आपको हिंदी वोकैबुलरी होगी। वोकैबुलरी में एंड क्या होता है? विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, तत्सम, तद्भव, ये हमारे पास हिंदी में आते हैं। इसकी ग्रामर पढ़ने नहीं हमको, तो वाक्य कौन सा वाक्य शुद्ध होगा, कौन से संज्ञा सर्वनाम, इस प्रकार से हमारे पढ़ सकते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद साइनोनिम एंटोनिम हमारे पास, जो मैंने आपको बताया कि यही आपको देगा, इस तरह आपको कुछ नहीं पढ़ना हिंदी में, ठीक है। मैं आपको ये बताऊंगा कौन कौन सी बुक आप ले सकते हैं, कौन सी बुक आपको हिंदी पढ़नी है, किससे मैथ पढ़ना है, आपको मैं सब डिटेल पूरी डिटेल दूंगा अच्छे तरीके से। इसके बाद हम जो नेक्स्ट पहुंचते हैं, इसके बाद आता है हमारे पास इंग्लिश। इंग्लिश के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। इंग्लिश के बारे में बताना है किस प्रकार के इंग्लिश के बारे में जो हमको बताना है वो भी दिया गया इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन इंग्लिश के आने भाई, 40 क्वेश्चन। इंग्लिश वोकैबुलरी, देखो इंग्लिश वोकैबुलरी होगी आपकी, ग्रामर हो गया, साइनोनिम एंटोनिम एंड अंडरस्टैंडिंग पैसेज होगी, और कंक्लूजन स्टेटमेंट होगा। बस इसके बाद यही चार पांच टॉपिक है आपके इंग्लिश के अंदर, ये आएंगे, ठीक है भाई। इंग्लिश में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली आपको वोकैब पर ध्यान देना, वोकैब के क्वेश्चन अच्छे आने हैं। ग्रामर पढ़ सकते हैं आप किसी बुक से, नहीं तो मैम की बुक हो गई कुछ वोकैबुलरी के नाम से, तो आप कुछ ही बुक लेके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जितने भी डाटा था, ये मैंने आपको सिलेबस बताया कि कौन कौन सा किस किताब के लिए, किस जॉब, ये जेल वार्डन के लिए आपका सिलेबस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भाई बुक की। किसकी बात करते हैं? बुक की बात कर लेते हैं। बुक की हमारे पास बात की गई है, बुक जो बुक है हमारे पास उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो, मैथ बुक प्रैक्टिस के लिए, मैथ बुक जो है प्रैक्टिस के लिए आपकी जो मैथ की बुक होगी, देखो आप बच्चों किरण की बुक ले सकते हो। ये हमारे पास है किरण की बुक, सबसे पहले बुक आती है किरण की बुक। आप इसने आपके सभी एसएससी के प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन दिए होंगे, आप इससे कर देना। जितने आप ज्यादा प्रमाण करते हैं, परसेंटेज 600-700 क्वेश्चन दे रखे, तो आप 600-700 करने की जरूरत नहीं है। आप जो परसेंटेज के द्वारा 250 क्वेश्चन ही कर लो, 250 क्वेश्चन में आपका डीसीबी क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। इस तरीके से आपको 250 क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। एक बुक आती है डीसीबी की, आपको ये बुक दिख रही होगी, एक ही डीसीबी के नाम से बुक आती है, ये भी अच्छी किताब है। इसके बाद जो बुक आती है पिनाकल की बुक आती है, एक पिनाकल की बुक आती है, फिफ्थ एडिशन इसका आ चुका है भाई। मैथ की आई, इसमें सभी प्रकार के चैप्टर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे अच्छी तरीके से, अपडेटेड सवाल मिलेगा सब कुछ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आप ये बुक भी परचेज कर सकते हैं। मैं रेफर करूंगा कि आप या तो आप किरण का बुक लो, या आप इसकी ये बुक ले सकते हो पिनाकल वाला। इनसे आप क्वेश्चन लगाओ, 20-20 क्वेश्चन आप डेली लगाओ 40, ठीक है, अच्छे तरीके से आप पढ़ो, ठीक है। ये मैथ की होगी, ये मैंने आपको मैथ की बुक बताई कैसे कैसे मैथ पढ़ना है, ठीक है। मैथ को पढ़ने के लिए आपको कोई ज्यादा करने नहीं है, मान के चलो 20%। देखो 20 क्वेश्चन मैंने परसेंटेज के किए, 20 क्वेश्चन मैंने प्रॉफिट लॉस के किए, 20 क्वेश्चन मैंने टाइम एंड वर्क के किए, 20 क्वेश्चन मैंने डिस्काउंट के किए, और भाई 20 क्वेश्चन मैंने एसआई के किए। ये आपका इस फॉर्मेट में अगर आप क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो मुझे लगता है कि और डाउट नहीं होनी चाहिए। अब 100 क्वेश्चन अगर आप पर डे लगाते हो तो मुझे लगता है कि डीएसबी का एग्जाम जो फरवरी से पहले होने वाला नहीं है, फरवरी में आपका एग्जाम होगा शायद, मुझको लगता है, एग्जैक्ट नहीं पता है, ठीक है भाई, इतना आपको फरवरी तक। तो अब अगर 20 क्वेश्चन आप पर डे लगाओगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैथ आपका इतना अच्छा हो जाएगा भाई। ये 15 दिन तो देखो इसके बचे दिसंबर के, अरे पूरी एक महीना जनवरी का है, तो मुझे लगता है कि आप सीजल का मैथ निकाल सकते हो भाई, इतना अच्छी तरीके से पढ़ के, ठीक है भाई। ये आपका मैथ का पोर्शन हो गया, ठीक है। अच्छे, इसके बाद हम बात करेंगे, देखो भाई इसके बाद हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग की कौन कौन सी बुक ले सकते हैं? देखो सबसे पहले जो बुक आती है हमारे पास, सबसे पहले बुक है बच्चों हमारे पास, वो है रीजनिंग की। पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, टीचर्स के सभी क्वेश्चन इसे मिलेंगे आपको, सोल्व पेपर है किरण का। इसके बाद एक बुक आती है पीयूष वर्षा ने सर की बुक आती है रीजनिंग की, ये भी अच्छी बुक माने आपके लिए मान जाती है। एक बुक आती है आपकी रीजनिंग एसएससी जीडी पिनाकल के लिए, जिसकी आती है ये बुक, इस बुक का नाम है पिनाकल, ये बुक होता है पिनाकल के नाम से, पिनाकल की बुक होती है ये, किरण की बुक है ये, होती है पीयूष वर्षा ने सर की, पीयूष वर्षा ने सर की ये बुक है। तो अच्छी बुक है ये भी, अच्छी किताब कोई बात नहीं। इन दोनों में से आप जो आपको अच्छा लगे, आप इन तीनों में से परिचित कर सकते हैं। मैंने आपको बेस्ट बुक बता दी है, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है भाई।
इसके बाद हम थोड़ी बात करेंगे जीके की, शायद जीके की बुक कौन कौन सी होती है। देखो जीके की मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत बताऊंगा कौन कौन सी बुक लेंगे, स्टार्टिंग जीके बताऊंगा और वैसे सिंपल जीके बताऊंगा। देखो भाई जनरल अवेयरनेस के लिए आप बुक ले सकते हो किरण की आत्या समय ओल्ड टीचर्स पैसन है, तो आप ये वाली बुक परचेज कर लो, इसमें प्रीवियस ईयर आपके दिए गए हैं। एक बुक इसके बाद देते हैं, एक बुक इसके बाद आती है सामान्य अध्ययन की, सामान्य ज्ञान आती है, ये एनसीईआरटी बेस, ये जो बुक है आपकी एनसीईआरटी बेस होती है, इसमें सभी ही एनसीईआरटी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, अच्छी किताब है। एक आती है एसएससी अध्ययन जो बिनाकाली की बुक आती है, इसकी थोड़ी लैंग्वेज जो है हार्ड है, थोड़ी इसकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज जो आपकी हार्ड दी गई है, इसकी जो थोड़ी लैंग्वेज आपकी हार्ड दी गई है, आप मैं रेफर करूंगा कि आप इन दोनों में से कोई भी बुक ले सकते हो, अच्छी बुक है आपको। आप लुसेंट, आप चाहे तो लुसेंट भी पढ़ सकते हो। देखो भाई मैं नहीं कहूंगा आप लुसेंट मत पढ़ो, आप लुसेंट भी पढ़ सकते हो, आपकी इच्छा है। एक ऑब्जेक्टिव बुक भी ले लेना आपको, ऑब्जेक्टिव आप एक ऑब्जेक्टिव बुक ले लेना, इससे आपको क्या होगा आपकी मेमोरी जो है, अब जितना आपने को माने चलो मैंने आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, पढ़ने के बाद फिर मैंने उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाए, तो आपको ये होगा कि कॉन्फिडेंस आएगा ऑटोमेटिक आपके अंदर कि हाँ सर मैंने आज कुछ पढ़ा है, ठीक है इस बेहतर। तो आपको बता रहा हूँ ये आप बुक ले सकते हो। स्टैटिक जीके के लिए एक बुक आती है रामबाण, रामबाण स्टैटिक जीके बहुत अच्छी बुक है, आपको 5500 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, टीचर्स बिल्कुल अपडेटेड बेस्ड, जो अभी अभी एग्जाम में हाल ही में आपके जो एग्जाम हुए हैं उनके अंदर ही आपको बुक देखने को मिलेगी, ठीक है भाई। आप अच्छी बुक है, अच्छी तरीके से आप इन जीके की बुक सभी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है भाई। नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं आपकी हिंदी की, हिंदी की आप कौन कौन सी बुक ले सकते हैं। देखो भाई हिंदी के लिए आपकी जो ज्ञान मुद्रा की बुक आती है, एक ये भी अच्छी बुक है, एक हिंदी की बुक आती है एसएससी जीडी के लिए, जो हिंदी की बुक निकाली है इन्होंने, किसने पिनाकल वालों एसएससी जीडी के लिए बुक निकाली, आप ये भी ले सकते हैं, ये भी अच्छी बुक है। एक किरण की बुक आती है, ये भी एक अच्छी बुक मानी जाएगी, ठीक है। इन तीनों में से ये आपको तीन बुक है, रेफर करूंगा कि आप ये लो या ये लो, आप दोनों को छोड़ो आप ये वाली बुक लो, बहुत अच्छी बुक है, अच्छी तरीके से हम इसको पढ़ पाएंगे, बहुत इजीली हम इस क्वेश्चन को जो बुक आपके देंगे ना बहुत अच्छी तरीके से बच्चों इसको ले सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ी बात करेंगे इंग्लिश की, इंग्लिश की जो बुक कौन कौन से हम ले सकते हैं। देखो इंग्लिश की बुक आपको ग्रामर अगर आपको पढ़नी है तो आप मैं आपको रेफर करूंगा कि आप किरण पब्लिक ये सॉरी नीतो मैम की बुक आती है पैरामाउंट पब्लिकेशन की, यह बुक ले सकते, या आप ये भी ले सकते हो सोल्ड पेपर, हमारे पास प्रैक्टिस के लिए आप सोल्ड पेपर ले सकते हो किरण के हमने सोल्ड पेपर लिया। इसके बाद जो वोकैब आपको पढ़ेंगे, आप वोकैब कहाँ से पढ़ेंगे सर, वोकैब का सबको आता है, ये आती है एक ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी के नाम से बुक आती है, आप इसको ले सकते हैं, अच्छी बुक है ये भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी के नाम से आपको बुक मिलने वाली है मार्केट के अंदर, ठीक है भाई। इसके बाद आती है पैराजंबल वाली, ये इसके पैसेज होते हैं न्यून पब्लिकेशन के नाम से, न्यून पब्लिकेशन मैम है ये, मनीषा मैम है, इनकी एक बुक आती है बहुत अच्छी तरीके से, मैं पैसेज आपको क्या मिलेगा, पैसेज आपको इससे करने हैं, पैसेज आप इससे करोगे तो आपको लगता है कि बहुत अच्छी बुक है, रेफर आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, आज कोई आपको डाउट नहीं आएगा इन बुक के अंदर, ठीक है। मैंने आपको जेल वार्डर के लिए वैकेंसी बता दी, 271 वैकेंसी है, पूरी जितना सिलेबस आपको सर्व सिलेबस बता दिया, आपको कौन कौन सी बुक लेनी है, आपको पास जो भी बुक है ये लेनी है, आपको इससे अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छी तरीके से मैंने आपको सभी कुछ बताया है कैसे कैसे हम इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके मैंने आपके लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई थी कैसे कैसे हम पढ़ सकते हैं, मैथ को रीजनिंग के लिए रीजनिंग भी आप अच्छे तरीके से ही कर पाओगे, रीजनिंग के लिए आपको 20 क्वेश्चन लगाने हैं, 20-20 क्वेश्चन आपके 5 सेट लगाने हैं, 20 टाइम है, 20 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, 20 ब्लड रिलेशन निकाल लिया, कोडिंग रिकॉर्डिंग होगा, एनालॉजीज होगा, स्टेटमेंट कंक्लूजन होगा, इसके बाद फिगर वाले क्वेश्चन होंगे, आप ये इस प्रकार अगर आप क्वेश्चन करते हो तो मुझे लगता है कि आपको डाउट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से मैंने आपको कोई भी डाउट नहीं रखा है, आपके सभी डाउट क्लियर कर चुका हूं मैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि सर मुझे यहाँ पर डाउट आ रहा है, ठीक है। परसेंटेज के हम क्लास 6 आज हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे इसके बाद हम ये आपको वीडियो बता, मैं आपकी स्ट्रेटेजी बताई है, इसका परसेंटेज हमारा चल रहा है, 2-3 दिन में आपकी परसेंटेज खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद हम टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे कैसे कैसे हम टाइम एंड के क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है भाई। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे बताइए कि सर मुझे यहाँ पर डाउट आ रहा है भाई, मैंने आपको सभी बुक बता दिया कि कौन कौन सी बुक आपको ले लेनी है, इससे आपको कोई डाउट नहीं होगा भाई, ठीक है भाई, इससे कोई आपको डाउट नहीं होगा। देखो भाई इसके बाद हमने